दोस्तों बहुत से मुगल बादशाहों ने भारत में राज्य किया, जिनका लूटपाट, चोरी और गंदी हरकतों से इनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इसमें से आपने रंगीला बादशाह का नाम तो सुना ही होगा। जब मुगल साम्राज्य के आखिरी दौर में एक शासक बैठा था जो मोहम्मद सर रंगीला के नाम से बहुत ही मशहूर हुआ करता था। इसकी गंदी हरकतें की वजह से इतिहास में नाम अमर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद सर रंगीला इतना बेवकूफ, शराबी, नशेड़ी, जुएड़ी यानी हजारों औरतों के इस्तेमाल करने वाला बड़ा शौकीन शख्स था। यह बादशाह बनते ही इतने गंदी गंदी उलझुल हरकतें शुरू कर दी कि लोग इससे परेशान हो गए। वह अपनी मर्जी से जब चाहता कानून को बनाता था और जब चाहता कानून को तोड़ देता था। इसके अंदर इतनी क्रूरता भर चुकी थी कि वह जब चाहता किसी को हिंदुस्तान का बड़ा पोस्ट सौंप देता था और दूसरे ही पल इसे उठाकर जेल में डाल देता था। मोहम्मद सर रंगीला इतना क्रूर बादशाह था कि इसके वजह से दूसरे मुगल बादशाह भी बदनाम हो गए। वह अक्सर दरबार में नशे में भूत और नंगे ही आ जाता था। इतना ही नहीं, उसके डर से सभी दरबारी उसके आदर में अपने कपड़े उतार देते थे। जो कपड़े नहीं उतारता उसे उठाकर जेल में डाल देता था। जब मोहम्मद सर रंगीला जोश में आता था तो दरबार में ही खुलेआम पेशाब करना, पैखाना करना शुरू कर देता था। उसके डर से सभी मौजूद दरबारी बादशाह की वाह वाह करके तारीफ करते थे। वह दरबार में हुक्म देता था कि कल सभी लोगों को औरतों के कपड़े में आना है और सबको मजबूरन औरतों के कपड़े में आना पड़ता था और जो नहीं आता उसे उठाकर तुरंत जेल में डाल देता था। इसके करतूत को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह अपने ही दरबार में आता और ऐलान करता था कि कल सभी बंद कैदियों को आजाद कर दिया जाए और उतने ही कैदियों को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। सभी उसके सिपाही शहर के बाहर निकलते थे और रास्ते में जो भी मिलता था उसे उठाकर जेल में डाल देते थे। मोहम्मद सर रंगीला इतना आयासी का शौकीन था कि वह तवायफों के साथ दरबार में आता और उनके ऊपर लेटकर सबके सामने हुकूमत का कारोबार चलाता था। यहाँ तक कि वह काजी को जबरन शराब पिलाने के लिए मजबूर करता था। इसकी तो ऐसी हरकतें भी थी कि अपने शासनकाल में घोड़ा को ही मंत्री बना दिया और यह घोड़ा दरबारियों के साथ दरबार में उपस्थित होता था।